हेलो गाइस, वेलकम टू आर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम विंडोज़ के अंदर पासवर्ड ब्रेक कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे पीपल इस बारे में सर्च करते हैं कि कैसे हम विंडोज़ का पासवर्ड ब्रेक कर सकें। सबके अपने अपने रीज़न होते हैं कि कोई मान लीजिए पासवर्ड लगा के भूल जाता है, किसी को जानना है कि वो कैसे क्रैक कर सकता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे विंडोज़ के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम एक टूल की हेल्प लेंगे जिसका नाम है रिटेल विंडोज़ पासवर्ड रिकवरी टूल। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करके आपको इससे अपनी पेन ड्राइव या सीडी जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आपको बूटेबल बनानी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग वो सारे टूल्स आपके पेन ड्राइव या सीडी में इंस्टॉल कर देगा, और हम बूटेबल से पेन ड्राइव से बूट करा के इसको रीसेट करेंगे हमारे विंडोज़ के पासवर्ड को। तो जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ इंस्टॉल कर रखा है, जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सीडी डीवीडी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब मैं इसमें यूएसबी से आपको करके देखा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मेरा सैंडिस्क क्रूजर ब्लेड मेरी यूएसबी डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ से सेलेक्ट करके जैसे हम बन पे क्लिक करेंगे तो इस पर टूल्स पासवर्ड रिकवरी के टूल्स हमारी पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर देगा, और हम यहाँ से डायरेक्ट बूट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बूटेबल बना रखी है, तो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए हम बूट मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बायोस में आके यूएसबी डिवाइस को इनेबल कर दिया, और ये रैम डिस्क से उस इमेज से डायरेक्ट बूट कर रहा है। ये एक्चुअली विंडोज एक्सपी पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए इसमें विंडोज एक्सपी में बूट करके बताएगा ये आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे विंडोज यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है जी ड्राइव के अंदर विंडोज 10 प्रो। अभी नेक्स्ट करते हैं। ये सारे मेरे डिफॉल्ट अकाउंट्स आ रहे हैं जो मेरे विंडोज के अंदर बने हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट अकाउंट, ये सारे अकाउंट उसके अंदर जो हमारे विंडोज़ के अंदर बने हुए रहते हैं वो सारे अकाउंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो इसमें से हम किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि अपने मेन अकाउंट को मैं सिलेक्ट करके रीसेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टेप हो रहे हैं, प्रिपेयर टू रीसेट, देखिए जैसे सक्सेसफुल यहाँ पे फिनिश हो चुका है, रीसेट हो चुका है हमारा अकाउंट। अब हम नॉर्मली रीबूट करते हैं सिस्टम हमारे विंडोज़ 10 से ही। रीस्टार्ट नाउ। देखिए जैसे कि आपके सामने मैसेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन चेंज अबाउट द विंडोज अकाउंट हैज बीन इफेक्टिव। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पासवर्ड नहीं डाला, इसने पासवर्ड पूछा ही नहीं, और सक्सेसफुली हम लॉगिन कर गए हमारे सिस्टम में। तो एक तरीके से ये बेस्ट टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम में बिना पासवर्ड एंटर किए उसको ब्रेक कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। अब इसमें सिस्टम में कोई भी पासवर्ड नहीं लग रहा, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो जो एक्चुअल यूज़र है वो अपना पासवर्ड डालेगा तो आप उसके पासवर्ड से खुलेगा नहीं, क्योंकि आप पासवर्ड चेंज कर चुके होंगे। तो जैसा कि मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो से अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि हम इस टेक्निक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बाय चांस हम कोई पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं और हमें याद नहीं आ रहा, तो हम इसके थ्रू इस प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन पा सकते हैं।